हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को लेके जा रहे हैं गोदरेज वुड्स में। जी हाँ दोस्तों, विला की सैर कराने। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं एक और ऐसे विला की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो बहुत ही मुझे पसंद है, जो कि मैंने ऑनलाइन देखा है, जो मैंने उसके पॉम्पलेट्स वगैरह देखे हैं उसके हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया। इसीलिए मैं इसे विजिट भी करने जा रही हूँ, क्योंकि नेचर मेरे बहुत करीब है और नेचर करीब होने की वजह से ये जो विला है, ये विला ही वुड यानी कि जंगल के कॉन्सेप्ट के उस पर बनाया जा रहा है। तो एक जो इसके आसपास का जो एरिया है वो एक जंगल की तरफ डेवलप किया जाएगा, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जाके विजिट करूं और आप सभी को भी दिखाऊं कि वाकई में वहां पे क्या चल रहा है और कैसा है। तो हम अभी रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं। रास्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्लीन है। और ये जो एरिया है, मैं आपको बता दूँ, ये नोएडा का एरिया है और जो हम देखने जा रहे हैं विलाज, ये है सेक्टर 43 में। और नाम, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका नाम है गोदरेज वुड्स विला। तो गोदरेज की तरफ से ये विला बनाया जा रहा है और जैसे इसके नाम से ही पता है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जंगल के इर्द गिर्द है। तो ये सारे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बगल में आपको खाली ज़मीन भी काफ़ी दिख रही होंगी, जिसपे ऑलरेडी आई थिंक ये ले लिया गया है और धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो रही हैं बहुत सारी सोसाइटीज़। और मेरे ख्याल से विला ही डेवलप हो रहे हैं और दूसरी कंपनीज के हैं, तो अभी कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, बाउंड्री पूरी कर दी गई है यहाँ पे। लेकिन जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत यहाँ पे शांति है और रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कोविड टाइम है यानी कि लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो अभी इतना फ्रीडम नहीं है सबको जाने के लिए। मैं इसी टाइम निकल आई हूँ क्योंकि मुझे इसे देखना था। अब मुझे लगता है कि शायद ये तो कम से कम खुला ही होना चाहिए, यहाँ पे तो लोग होने ही चाहिए और हम देख पाएंगे इस लॉकडाउन में, शायद हमें देखने को मिल जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस विला को देखने के लिए। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा, देखिए इसका एरिया मेरे ख्याल से ये शुरू हो गया है, गोदरेज वुड्स का ये एरिया जो है यहाँ से शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा मुझे दिख रहा है, कुछ उधर आपको दूर में कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, वो किसी और की होंगी। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से घेरा हुआ है ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। देखिए गोदरेज यहाँ लिखा भी है, तो मैं सही थी, गोदरेज का देखिए यहाँ से एरिया शुरू हो गया है। और पूरी जो यहाँ से लेकर के देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ तक पूरा का पूरा गोदरेज का ही एरिया है, पूरा गोदरेज ही डेवलप करेगा इस एरिया को। और ये देखिए, बस अब कुछ ही सेकेंड में हम पहुँच जाएंगे और ये लीजिए हम पहुँच भी गए। और ये देखिए बाहर का व्यू, देखिए बाहर कितना सुंदर, मतलब ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, बहुत सुंदर। मुझे ऐसी ही जगह पसंद आती है जहाँ पे बहुत सारा नेचर नज़र आए, बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, गमले, ये सब चीज़ें रखी हूँ, ऐसी जगह मुझे पसंद आती है। तो ये है इसका एंट्री पॉइंट दोस्तों। और सामने जैसा कि हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि शायद बंद तो नहीं है, शायद हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चलते हैं। गार्ड रूम दिख रहा है हमें और गार्ड से बातें करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें परमिशन देते हैं कि हम यहाँ पे देख पाएँ। तो अभी हम जो है थोड़ा गार्ड से बातें कर रहे हैं और देखिए एक गार्ड्स हैं, गार्ड साहब यहाँ पे, और अभी उनको हम बुलाते हैं, उसके बाद कुछ इनसे बातें करते हैं। अगर ये परमिशन देते हैं तो हम अंदर देखेंगे, हालांकि क्या बोलते हैं ये तो आगे ही पता चल पाएगा। बहुत उम्मीद के साथ हम आए हैं आज यहाँ पे कि शायद कम से कम इस लॉकडाउन में कम से कम यही देख लें और अपने मन को खुश कर लें। ये देखिए गोदरेज वुड्स का बड़ा बड़ा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और गोदरेज बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता है गोदरेज का।
जैसा कि हम गोदरेज के बहुत सारे सामान भी यूज करते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। अपने नाम के हिसाब से पूरा ये अपना लगाते हैं, बेस्ट लगाते हैं कंस्ट्रक्शन करने में अपनी चीज़ों को। तो एक नाम है इनका, बहुत अच्छा नाम है, गोदरेज हो गया या टाटा हो गया, इन सब का काफ़ी अच्छा नाम है कंस्ट्रक्शन करने में। तो ये देखिए गार्ड जी आ गए हैं और एंट्री वगैरह ले रहे हैं। तो हर जगह का ये काम है कि भाई एंट्री इनको लेनी होती है कि कौन आया। तो एंट्री ले रहे हैं और इन्होंने बोला है कि ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर से ही देख सकते हैं, अभी आपको जो है अंदर जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कोई यहाँ पे सेल्समैन शायद है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो पहले थे लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले ही सेल्समैन यहाँ से निकल चुके हैं। तो इन्होंने बोला है कि आप बाहर बाहर देख सकते हैं, बट अंदर का जो डेवलप एरिया है, जो पूरा गार्डन, जो वुड यानी कि जो जंगल डेवलप किया गया है, वो एरिया अभी आप नहीं देख सकते। तो चलिए हम बाहर बाहर से ही इसे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए हम जा रहे हैं, गाड़ी हमने बाहर ही पार्क कर दी है, हम जा रहे हैं अंदर और बस बाहर बाहर का ही व्यू हमें देखने को आज मिलेगा। तो ये देखिए ये है बाहर का कुछ इस तरह से इसका व्यू, काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है। ये है एंट्री, यहाँ से आपके वीला में जाने के लिए एंट्री होगी, यहाँ से जब वीला जो आपका अंदर बन रहा है। तो ये है रास्ते, काफ़ी खूबसूरत रास्ता देखिए डेवलप किया जा रहा है और ये देखिए कितने अच्छे से ऑलरेडी ये बन चुके हैं। और ये अभी सामने देख रहे हैं हम, ये देखिए पूरा हर चीज़ लगाया जा रहा है, ग्रासेज वगैरह हर चीज़। और अभी इस वक्त आपको गार्ड्स ज़्यादा दिख रहे होंगे और सेल्समैन यहाँ पे अभी है नहीं। तो ये देखिए ये है कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन कितना हो गया है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देखिए काफ़ी हाइट तक इसको घेरा गया है, ये देख रहे हैं आप साइड में कितनी ऊंचाई तक है। ये मुझे देख के काफ़ी सरप्राइज थोड़ा सा हुआ, काफ़ी हाइट तक इसे घेरा गया है। और अच्छा जितना इनका एरिया है सबको कवरअप कर रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया है, सिक्योरिटी रीजन से काफ़ी अच्छा है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। तो ये देखिए ये है कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पे काम चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं काम करने वाले। ये देखिए अभी लॉकडाउन का समय है तो मेरे ख्याल से वर्क भी इस टाइम नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि मुझे लोग अभी तो इतने ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, दिख रहे हैं लोग बट कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, बहुत मतलब दो चार ऐसे ही लोग दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी नहीं चल रहा होगा, बंद होगा। तो खैर आप देख लीजिए अभी इसका क्या हाल है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन का एरिया और डेवलप होने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये है गोदरेज वुड्स लिखा हुआ सेक्टर 43 में। और इधर देखिए कुछ व्यू थोड़ा सा मैं साइड से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो हैं गर्ल्स है जो यहाँ पे काम करती हैं और यहाँ पे पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं लोग। ये देखिए सामने एक और गर्ल्स है, वो पूरा सैनिटाइज कर रही हैं इस एरिया को। और यहाँ पे भी कुछ शायद ऑफिसेज या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जैसा कि मैं दूर से देख रही हूँ। तो इधर अभी परमिशन नहीं मिला है जाने के लिए, तो अभी जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी हम अंदर जा पाएंगे। और थोड़ा सा मैं मायूस हूँ कि मुझे अंदर से पूरा देखने का मौका आज तो नहीं मिला, पर हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं यहाँ पे आऊँगी और अंदर भी विजिट करूँगी और आप सबको भी अंदर का पूरा व्यू दिखाऊँगी, जो कि मुझे अंदर का ही एरिया मेन देखना था, जो वुड था, जो जंगल था, जो डेवलप किया जा रहा है जंगल, मुझे मेन उसको ही देखना था और वो मैं नहीं देख पाई, इसलिए तो मैं आज मायूस हो रही हूँ इस लॉकडाउन की वजह से। खैर क्या करें, अपने हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, मैंने सोचा था कि सब कुछ बंद है लेकिन ये तो थोड़ा बहुत तो चलता होगा, खुला होगा, थोड़ा बहुत तो काम होता होगा, पर यहाँ तो पूरी तरह बंद है।
खैर क्या कर सकते हैं। और गोदरेज काफ़ी बड़ा नाम है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है तो इसको लेके इसीलिए कोई भी नहीं है, नहीं तो बाकी जगहों पे मैं देखती हूँ तो लोग मिल जाते हैं और दिखा देते हैं काफ़ी। खैर इन्होंने बोला है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है वैसे ही आप आएँ और पूरा अच्छे से अंदर आप फिर से विजिट कर सकते हैं। तो लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं आप सभी के लिए और फिर अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर साइड से ही जाएंगे वुड्स के लिए, जो गार्डन पूरा डेवलप किया जा रहा है वहाँ के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? आई होप शायद मेरी तरह आप भी मायूस ना हुए हों। खैर जितनी देखी उतनी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली बार आप सभी से फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।